वैसे भी मसल्स नहीं है बेचारे में। आज से एक हफ्ते पहले मैं और अफान भाई बैठकर प्लान किए कि हमें वैक्सीन लगवाना चाहिए या नहीं, और हम इस डिसीजन पे पहुंचे कि हमें वैक्सीन लगवाना चाहिए। और हमने उसी दिन अप्लाई किया और हमें डेट मिला था 13 जून का, और आज 13 जून है। तो आज हम जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, और किस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कौन सा वैक्सीन, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। तो चलिए मेरे साथ और देखते हैं आज क्या होता है। यहीं से लेफ्ट ले लीजिए, यहाँ से एकदम सीधे चलिएगा, जहाँ रोड खत्म हो रहा है वहां से राइट लीजिएगा एकदम। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, घर बैठने से अच्छा है कि सेफ्टी थोड़ा सा कर ले तो आगे हमें फायदा है। सब खुल गया भाई, सब सही है यार, वरना बहुत आगे जाना पड़ता, उखला हेड जाना पड़ता। सो गाइस, फाइनली आई एम इन अ कैब। तो अभी हम कैब में हैं और हम जा रहे हैं हॉस्पिटल वैक्सीन लेने के लिए। अफान भी कौन सा हॉस्पिटल में जाना है? माधुकर रेनबो हॉस्पिटल। तो माधुकर रेनबो हॉस्पिटल में हमें जाना है। और एक्चुअली सीन्स है कि ऐसा है कि हम जुनेजो भैया की व्लॉग्स वगैरह देखते रहते हैं, तो जुनेजो भैया ने अभी उन्होंने भी वैक्सीन लगवाया था फाइजर का। तो मैंने भी सोचा था यार फाइजर का वैक्सीन हम भी लगा लेते हैं, लेकिन फिर सोचे तो मालूमात करने के बाद हमें ये पता चला कि औकात से बढ़ के चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, सपने नहीं देखने चाहिए बच्चे। फाइजर पहली बात इंडिया में अभी आया नहीं है, और दूसरी बात वो इतना महंगा वैक्सीन है कि उतने में यार घर का एक महीने का खर्च निकल जाएगा। तो हमने बोला कोई बात नहीं, हम फाइजर नहीं लगवाएंगे, अभी हम चलते हैं हॉस्पिटल, चल के कोविशील्ड वैक्सीन लगवाएंगे और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। यहाँ से हमें लगेगा कम से कम 10 मिनट पहुँचने में हॉस्पिटल, और थोड़ा बहुत नर्वस हूँ, थोड़ा बहुत डर लग रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मतलब जा रहा हूँ तो डर लग रहा है, लगना भी चाहिए, लाजिम है, डर लगना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, लेकिन यही है कि साथ में अफान भी है तो थोड़ा सा हिम्मत मिल रहा। कल मेरा तो सुबह में प्लान कैंसिल हो रहा था, मैं बोला अफान भी रहने देते यार, छोड़ो यार। फिर अफान भाई गुस्सा वस्सा हो गया था, फिर मैं बोला चलो यार लगवा ही लेते हैं। देखते हैं, हम मिलते हैं, आगे मिलते हैं, मतलब बोला भी नहीं जा रहा अभी। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल, तो अभी हॉस्पिटल के अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है और कब हमारा नंबर आएगा, फिर हम वैक्सीन लगवाएंगे। अभी हमें यहाँ से सीधे जाना है, लेफ्ट लेना है, एम्प्लॉय गेट से सेकंड नंबर फ्लोर पे जाना है, उन्होंने हमें बताया। तो लेट्स चल, इतने लोग आए हुए अभी वैक्सीन के लिए, देख लो आप भी आओ और वैक्सीन लगवाओ यार जल्द से जल्द। हमें ये स्लिप मिली है, हमें अब जाना है सेकेंड फ्लोर पे, तो चलिए चलते हैं। अगर आप भी अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया, आप और अपने जो भी नियरेस्ट जो कोविड वैक्सीन सेंटर है वहाँ पे जाइए और वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि यार मजाक में मत लो किसी भी चीज़ को, सीरियस रहो, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखो। जैसे मैं और अफान भाई आज पहुँच गए लगवाने। है ब्रो व्हाट्सअप, जिस हॉस्पिटल है यहीं पर अभी हमें वैक्सीन लगवाना है। अफान भाई पता करने गए हैं कि क्या सीन है, कहाँ पर हमें जाना है। वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं, हमारा टोकन नंबर है 46 546 547। तो अभी अनाउंस हो रहा है, मुझे हमें कम से कम 10-15 मिनट लगेंगे, और जो भी है हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, हमें 2 घंटा पहले आना चाहिए, तो थोड़ी गलती होगी। तो अभी बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। फन भाई कुछ कहना चाहेंगे? दिल में पत्थर रख क्या है भाई। यार सच बोलूँ ना, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, कसम से मेरा सारा नर्वसनेस जितना था ना सब खत्म हो चुका है। मतलब यहाँ पे हम 2 घंटा पहले आना चाहिए था कम से कम यार। टीवी लगा हुआ है, एसी चल रहा है, बेहतरीन सीटिंग अरेंजमेंट आप देख रहे हो, हम लोग टहल रहे हैं, बस कोई नहीं आसपास, मज़ा आ रहा है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है।
अफान भाई 2 घंटे पहले आना चाहिए भाई, जल्दी लेकर आ गए भाई, इतना बेहतरीन हॉस्पिटल है यार भाई, लग रहा है ना शादी में आया, सच बोल रहे रिसेप्शन में आ गए बैठे हुए हैं, चेयर्स लगे हुए हैं, हम लोग वैक्सीन लगवाने नहीं आए, दावत खाने का मिल जाए, बस कुछ खाने का मिल जाए, शादी इंजॉय कर रहे हैं हम यार, समझ लो खाने को मिलेगा, कोविड से अंदर जाएगा ना अभी तो, वही आज की दावत है। वैसे भी मसल्स नहीं है बेचारे में। सो गाइस फाइनली हमने वैक्सीन लगवा ली, एंड ट्रस्ट मी मुझसे पहले जितने लोग भी लगा रहे थे, मतलब मैं देख के डर गया था लिटरली, वो ऐसे ले रही थी, ऐसे मार रही थी, खत्म, मेरी हालत खराब हो गई थी। फिर जब मेरा चांस है मैंने बोला मैम प्लीज थोड़ा धीरे प्लीज, फिर मेरा अफान भाई थे पीछे से, वो तो मजाक बना बोल रहे हैं मसल्स ही नहीं है, करवा दी बेइज्जती, लेकिन मैम बहुत कोऑपरेटिव कोऑपरेट की काफ़ी अच्छे से, मतलब पता ही नहीं चला कब उन्होंने इंजेक्शन लगाया और कब उन्होंने बाहर निकाल दिया। तो फाइनली हमने अपना फर्स्ट डोज 13 जून को लगवा लिया कोविशील्ड का। अब हमारा नेक्स्ट 1 महीने के बाद इंशाल्लाह फिर इसी हॉस्पिटल में आएंगे और लगवाएं, क्योंकि इस हॉस्पिटल का माहौल और लोग काफी अच्छे लगे, कितना भी पैसा लगे यहीं आएंगे, क्यों अफान भाई कितना भी पैसा लगे यहीं आएंगे इंशाल्लाह यहीं। यार मैम इतनी मस्त अच्छे से बात की ना, मतलब इतना कोऑपरेट की, मतलब मैं लिटरली डर जाता यार, कोविड बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन अच्छे से सारी चीज अलहमदुल्ला हो गई। अब थोड़ा देर बैटिंग, उन्होंने बोला आधे घंटे बैठ के फिर आप जाइएगा, तो शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अफान भाई घर पे खुशखबरी सुना रहे हैं कि वैक्सीन हो गया फाइनली। और मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहूंगा, प्लीज आप में से जितने भी लोग, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, नहीं अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज वैक्सीनेट करो अपने आप को, बहुत जरूरी है, आप वैक्सीनेट करो, अपने घर वालों को वैक्सीनेट करो, अगर वो नहीं जा रहे हैं तो आप ये जिम्मेदारी उठाओ, आप उनका अपॉइंटमेंट लो, आप उनको ले जाओ, वैक्सीनेट करवाओ, ताकि आपके साथ साथ वो भी सेफ रहे। तो इस चीज का ध्यान रखो और वैक्सीनेट करो। ये वैक्सीन लगवाने में हमें 1000 के करीब लगा, कोविशील्ड हमने लगवाया। तो देखिए जिंदगी रहेगी तो इंसान बहुत पैसे कमा लेगा, बहुत पैसे बचा लेगा, लेकिन उसके लिए जिंदा रहना भी तो जरूरी है, और जिंदा रहने के लिए बाकी देखो मौत और जिंदगी देना अल्लाह के हाथ में, लेकिन इंसान का फर्ज है कि वो प्रिकॉशन ले। कोविड शील्ड या कोविड कोई भी कोविड का वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है, या तो आप फ्री वाला लगवाओ या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर आप ये पेड जो वैक्सीन है आप वो लगवाओ। ये जिस हॉस्पिटल में अभी हम आए हुए हैं ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, और यहाँ पे 1000 के करीब हमें पैसे लगे, लेकिन यहाँ का जो माहौल, जो हाइजीन, जो सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब इतने अच्छे से एक एक स्टाफ ने कोऑपरेट किया, हमने बिल्कुल नहीं सोचा था लिटरली, हमें सोचा था उन्हें तो बस लेना है यार पैसे दो वैक्सीन लगवाओ जाओ, लेकिन लिटरली उन्होंने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया रियली। तो आई रियली अप्रिशिएट ऑल द गाय, ऑल कोविड वॉरियर्स ऑफ दिस हॉस्पिटल, रियली अप्रिशिएट है। हम मिलते हैं आगे, अब घर चलते हैं तो देखते हैं क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है या नहीं होती है बॉडी में, फीवर वगैरह सुनता हूँ कि आ जाता है, तो लेट्स सी व्हाट हैपन। अफान भी आ रही ओके, कोई दिक्कत तकलीफ फीवर आपके, तो आपके तो बहुत मसल दिख रहे थे, जरा एक बार हमारे ऑडियंस को दिखाइए शर्ट उतार के करवा ली बेइज्जती। फाइनली हम घर पहुंच गए थे अच्छे से, घर पहुंचा, फ्रेश हुआ, खाना वाना खा के बैठा घर पे, सबसे बातें साथ हुई, फिर मैंने स्टेटस लगा दिया व्हाट्सएप पे, फिर दोस्तों के कॉल आने लगे, अरे भाई गजब गजब बताया नहीं वैक्सीन ले ली। फाइनली ये सारी चीज़ें अपने जगह, मेन पॉइंट ये है कि वैक्सीन लेने के 12 से 14 घंटे के बाद फीवर और बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता है, और सच बोलूँ तो इन दोनों चीज़ों से मुझे इतना डर लगता है, फीवर और बॉडी पेन से,
कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, मुझे इतनी प्रॉब्लम हो जाती है जब मुझे फीवर या बॉडी पेन होता है। तो अब मैं तब से यही सोच रहा हूँ कि प्लीज़ 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 अल्लाह ताला प्लीज़ नहीं, मुझे फीवर और बॉडी पेन नहीं चाहिए, प्लीज़ नहीं चाहिए। लेकिन लेट्स सी क्या होता है, ये भी ज़रूरी था और आगे देखते क्या, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या। लेकिन खैर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टूडेज ब्लॉग। आई होप आपको आज का ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट जरूर कीजिएगा। आपके क्या ओपिनियन है ये भी आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैसे फीवर ना आए इसका कोई यार ट्रिक हो तो प्लीज़ बता देना यार, बहुत मेहरबानी होगी। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टूडेज ब्लॉग गाइज। हम फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, खुदा हाफिज़।